सर, इतने सारे चैप्टर्स तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खत्म नहीं किए होंगे। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यही हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? ज्यादातर सवाल इसी से आएंगे। समीरा, तो मन कर रहा है कि मैं अभी इसी वक्त जाकर एग्जाम दे दूं। पर सर, वो एग्जाम हॉल के बारे में सोच के वो घबरा। काम डाउन। अब सबसे जरूरी बात, कल तुम जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो तुम्हें घबराहट होगी। नेचुरल सी बात है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अब इस घबराहट को कैसे खत्म करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके? गहरी सांस लो। एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा ठीक है, छोड़ो, मैं कुछ सवाल तुमसे पूछूंगा, उसके जवाब दे दो। दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। करेक्ट। इस दुनिया का ख्याल कौन रखता है? भगवान। भगवान पे विश्वास करती हो ना? हाँ सर, मेरा मिला अपनी माँ पे पूरा विश्वास है। ओके। ये जो तुम्हारा कल एग्जाम है उसके लिए तुमने सच्चे दिल से मेहनत की है ना? की है सर। तो फिर क्या? भगवान का विश्वास और मेहनत, ये दोनों तो माइंड ब्लोइंग कॉम्बिनेशन है। जिन्होंने ये कर लिया वो तो पास ही पास है। सो फोकस, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म। मिल गया सर पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। थैंक यू सर। इमोशनल क्यों हो रही हो? मिस विधि, तुम रायचंद ग्रुप ऑफ कंपनीज की एम्प्लॉय हो और यहाँ का कोई भी एम्प्लॉय किसी भी फील्ड में फेल नहीं हो सकता, ओके? सर अब देखना, वो सीमा है ना सर, मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी ना तो वो तो खुशी से नाचने ही लगेगी। सर वो है पिद्दी सी, पर बड़ी बहन बन के कई बार उसने मुझे राह दिखाई है। सर वो ना मेरे साथ पूरी पूरी रात भर जागती है पढ़ने के लिए, ताकि मैं ना सो जाऊं। सर जब वो चाची आती है ना मुझसे लड़ने, तो वो ढाल बन के खड़ी हो जाती है मेरे लिए। सर वो बालघर जाने की राह भी उसी ने मुझे दिखाई थी। उसने मुझसे कहा था कि दी, अपना वक्त और प्यार ऐसे बच्चों के साथ बांटो जिनके पास आपके जैसी दीदी नहीं है। स्माइल करोगे ना तो कोई ना कोई वजह अपने आप आ ही जाएगी। और आज सर बच्चों के साथ वक्त बिताए बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। मेरी जिंदगी की हर खुशी हर परेशानी उनसे बांटती हूँ ना सर, तो ऐसा लगता है कि किसी अपने से मैंने बांट ली। आपको बहुत याद आती माँ, इसलिए आपके इस घर को एक ऐसा अनाथालय बना दिया जहां मेरे जैसे वो बच्चे रहते हैं जिनकी माँ मेरी तरह बचपन नहीं गुजर गई थी, ताकि वो यहां रहे और खुशी पाए। ठीक है, पढ़ाई करो। मिस विधि, बाल घर मेरा ननिहाल है। मैं वहां अक्सर जाता हूं। मां के गुजर जाने के बाद मैंने फैसला लिया कि उस घर को मैं एक अच्छा अनाथाश्रम बनाऊंगा। ये भी एक सीक्रेट है।
मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पहला तो ये कि तुमने मुझे वहां पे देख लिया तो तुम्हें पता चल गया। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, ईमानदार हो, भरोसे के लायक हो, और मुझे पता है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे। और तीसरी बात, मुझे खुद नहीं पता मैंने तुम्हें ये बात क्यों बताई। सर की मां के जाने के बाद, पर सर की मां तो वो सर। संगीता, विधि की जब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम उसके साथ ही रहना। उसके बाद ऑफिस की गाड़ी तुम दोनों को घर छोड़ देगी, ओके? सर आप नहीं भी कहते तो विधि को घर तक ड्रॉप करवाते हम। गुड। अच्छा, मैं उसको ऑल द बेस्ट बोल नहीं पाया, तुम मिलोगी तो मेरी तरफ से बोल देना। ओके? चल फॉर बैक। लाई से उठा। पीली, हाँ? ये सामान सब उठा के उधर रख देते, सुबह फिर आएंगे मजदूर। उठाओ। ओफो, ये मजदूर दीवार खड़ी करना जानते हैं, पर जाते जाते थोड़ा कमर झुका के जरा सा साफ सफाई कर देना, नहीं आता है क्या इन्हें? अरे क्यों पीली, ये संतुष्टि सिर्फ रात रात की है, सुबह होते ही आ जाएंगी यमदूत आंगन में धूल उड़ाने। ये ले, सीमा साइड में हो। हे भगवान, देखिए आके। भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। फिलहाल तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है मेरे पास, कुछ पता चले तो बताऊंगा। आजा। ये भी उठा ले। पूरा गंदा हो गया रे घर। मामा जी, अब तो लग रहा है कि मरे मत का सारा काम खत्म होने वाला है। हे भगवान, मेरी तो कमर ही टूट गई। दिन भर चाय बनाओ और रात को घर चमकाओ। अगर तुम दोनों नहीं होती ना, तो मुझसे तो कुछ अकेले संभलता ही नहीं। अरे बस दो तीन दिन की बात हो रही कि मरम्मत का काम निपट जाए, उसके बाद जगराता कराएंगे धूमधाम से। हाँ। हरिप्रसाद जी, मैं अभी के अभी आपको यहां से बाहर निकलता हूं, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं क्या कह रही थी, वो आपकी पिछले महीने की तनख्वाह बस खत्म ही होने वाली है, ऊपर का खर्चा और मजदूरों का खर्चा जोड़े तो दो ही तीन दिन खींच पाऊंगी मैं। वो आपके सेठ जी आ गए बाहर से? नहीं, अगर वो आ जाते तो आप उनसे कुछ एडवांस मांग लेते, हाथ में कुछ पैसे होंगे तो सब संभल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, माता का जगराता अच्छे से हो पाएगा, धूमधाम से हो पाएगा। हाँ, धूमधाम से हो जाएगा जगराता, फिर क्या होगा? अगला महीना कैसे कटेगा, और उसके अगला? फिर एडवांस मांगूंगा, या फिर आंगन में कोई खजाना गड़ा हुआ वो मिल जाएगा, हमें खर्चा कर देंगे। हाँ, सोच क्या रखा है तुम लोगों ने कि सर्राफा बाजार में मेरी अपनी खुद की दुकान है, मालिक हूं मैं वहां पर, अरे नौकर हूं, नौकरी करता हूं, कहां से लाऊंगा पैसे? तुम कहो तो बेच दूं खुद को, हा? बेच दूं खुद को तुम्हारे लिए। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं पैसे अपने मजे के लिए नहीं मांग रही, और आज तक जितना भी आपने दिया है उसी से संतोष किया है मैंने, और ये
एडवांस वाली बात तो आप ही ने उठाई थी, मैंने तो सोचा पूछ लूं। अब हमारे बीच में यही तो तय हुआ था ना कि आप एडवांस लेंगे और ये कुछ पैसे बचा के रखे हुए थे कल के लिए, रख लो। मेरी कमाई की एक एक पाई घर में खर्च हो जाती, और ऊपर से तुम्हारे ये सपने कहां से पूरा करूंगा मैं बिमला, कहां से? ये कौन से सपने? बीच जगराता तुम मैया के लिए। बात जगराते की नहीं है, बात है तुम्हारी सोच की बिमला। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें अपनी चादर दिखाई नहीं देती? जगराता समझ में आया, लेकिन तुम तो बढ़ती ही जा रही हो। धूमधाम से करेंगे, दुनिया को बुलाएंगे। है औकात हमारी? ये तुम्हें लगता है औकात हमारी? कि ये फिजूल खर्ची करे, दुनिया के सामने नाक बड़ी हो जाएगी हमारी, है औकात हमारी? और वो भी तब जब ये मरम्मत का खर्चा हमारे महीने की कमाई को आधे से ज्यादा निकल चुका है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि किस हाल से गुजर रहा हूं मैं बिमला? अरे मेरे पैर कट चुके हैं और तुम मुझे पहाड़ पर चढ़ने को बोल रही हो। मेरी गलती है, मेरी गलती है। ये कालू की मरम्मत वाली बात मुझे सुननी ही नहीं चाहिए थी। अरे इससे अच्छा होता ये छत मेरे सर पे गिर जाती, इस जंजाल से और इस जिंदगी से छुटकारा मिलता मुझे। नहीं, दीदी के पापा। बिमला, बिमला शांत हो जा, बिमला, बिमला शांत हो जा। ये यहाँ कैसे आया? हाँ हटाओ इसे अभी के अभी, हटाओ। वेट वेट, वेयर इज योर मास्क? मास्क का है, वेयर योर मास्क नाउ। सब कुछ सिखाना पड़ता है मुझे, हटाओ इसे यहाँ से अब। रिमूव इट। उफ, पता नहीं कितने बैक्टीरिया तो कितने वायरसेस होंगे यहाँ पे। देव साहब कहाँ है? मैम वो अभी ऑफिस से आए नहीं है, अकेले सारा काम संभाल रहा है, एक दिन की फुर्सत नहीं रहती उसे। एक मिनट, क्या हो रहा है सब कुछ? मैम ये देव सर के ऑफिस से किसी निधि नाम के स्टाफ ने अचार भेजा है। ये अचार मेरे लिए आया है, इसे यहीं रखो। मम्मी जी प्लीज फॉर गॉड्स सेक, जस्ट लुक एट दिस अचार की शक्ल। आई मीन कितने गंदे गंदे हाथ लगे होंगे इस पे, पता नहीं कैसी कैसी जगह ट्रैवल करके आया होगा। एंड डू यू इवन थिंक कि ये किसी अच्छी हाइजीनिक जगह बना होगा? नो मम्मी जी, नॉट एट ऑल। एंड प्लीज मम्मी जी, अब इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर है और मैं ही डिसाइड करूंगी कि इस घर में कौन क्या खाएगा और क्या नहीं। प्रिया, अपनी जिम्मेदारियों से मैंने रिटायरमेंट ली है, अपने ओहदे से नहीं। तुम्हें जो नई पावर मिली है ना, उसे एंजॉय करो, लेकिन अपनी हद मत भूलो। ओ यस, मेरी हद। सो टची टची मम्मी जी, दो मिडिल क्लास लोगों के बीच में मैं कौन होती हूँ कुछ भी बोलने वाली, राइट? फाइन विद मी, आप एंजॉय करिए अपना ये मिडिल क्लास अचार, लेकिन हाँ मुझसे डॉक्टर वर्मा का नंबर जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नंबर काम ही आएगा ये सब खाने के बाद। अब टोक तो सकती नहीं हूँ मैं आपको, लेकिन आपकी बहू होने के नाते आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है मम्मी जी। आह, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, कहाँ से आया अचार माँ? अरे वो देव के ऑफिस में नई लड़की आई ना विधि, उसने भेजा है अचार मेरे लिए। ये सब्जी से खुशबू किस चीज की आ रही है? ये मेरी माँ ने बनाई है।
ओह हाँ, मुझे याद है, उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, आइंदा से जब भी मेरे लिए खाना लाओ, ये अचार मेरी टेबल पे चाहिए, ओके? ओके। और मेरे लिए भी। शासा। ओह माय गॉड अभिमन्यु, यू टू? कम ऑन यार, फॉर वंस ये गलतफहमी भी दूर कर दोगे क्या कि तुम में भी कुछ क्लास है? अब इसमें क्लास की बात कहां से आ गई? अरे प्रिया, ट्राई करके तो देखो, मजा आ जाएगा। नोप। अपने मुंह से ये जहर उगलना बंद कर दोगे और वाह वाह करोगी। नो थैंक्स, मैं नागिनी अच्छी हूं। शाम को घर पे गेट टुगेदर है, तो मेरे साथ आओ, आई टेल यू व्हाट अरेंजमेंट्स हैव टू बी डन। फनी। ऐसे तो मामा जी की सेहत की भैंस गई पानी में। आजकल वैसे भी मामा जी इतना कुछ नहीं खा रहे, और आज तो बिना खाए सो गए। माँ आप खाना खाने चलिए, मैं पापा को बुला लेती हूँ। नहीं दीदी, आज ज्यादा थक गए होंगे इसलिए आंख लग गई, जब उठेंगे तो मैं खिला दूंगी। वो आपके सेठ जी आ गए बाहर से? नहीं, अगर वो आ जाते तो आप उनसे कुछ एडवांस मांग लेते, हाथ में कुछ पैसे होंगे तो सब संभल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, माता का जगराता अच्छे से हो पाएगा, धूमधाम से हो पाएगा। सोच क्या रखा है तुम लोगों ने कि सर्राफा बाजार में मेरी अपनी खुद की दुकान है? माँ आप ठीक हो? माँ पापा कुछ बदले बदले से नहीं लग रहे आपको? आज से पहले कभी पापा ने आपसे ऐसे बात नहीं की। माँ मैं एक बार बात करूँ पापा से? नहीं नहीं, काम की वजह से परेशान है, अब तुम ज्यादा चिल्ला चोट मत करना वरना और परेशान हो जाएंगे। तुम लोग खाना खाओ और अपने एग्जाम की तैयारी करो। थी? क्या हुआ, एग्जाम के लिए नर्वस हो? ना तू देखना पॉकेट बॉम्ब, इस बार तो ना मेरे बहुत अच्छे नंबर आने वाले, झंडे गड़ने वाले हैं मेरे। ओए हाय, और नहीं तो क्या? ठीक तो है, ये वाला थोड़ा ये तो है ठीक। ये क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं माँ, वो 25 साल के बाद वो पढ़ाई की किताबें उठाई ना, किसी को एग्जाम के लिए पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, पढ़ा तो दिया, ये टेंशन हो रही कि उसको समझ भी आएगी नहीं। तो मैं भी तो जानू कि वो लक्की शिष्या कौन है आपकी? वो अपनी इंटर्न नहीं, ऑफिस में विधि, वो डिजर्विंग है माँ, ईमानदार है, लेकिन कॉन्फिडेंस और घर की जो आर्थिक सिचुएशन है उसकी वो बहुत खराब है, इकोनॉमिक स्पेशली थोड़ी ठीक नहीं है। तो उसमें परेशानी क्या है? वो क्या होता है ना माँ, आप खुद की परफॉर्मेंस को लेकर सह सकते हो, लेकिन जिसको आप सिखा रहे होते हैं ना उसकी परफॉर्मेंस को लेकर हमेशा आपको थोड़ी सी टेंशन लगी रहती है, वो हो रहा है मेरे साथ। वो तो तेरी बचपन की आदत है, दूसरों का टेंशन लेना और उनका हौसला अफजाई करना, यूं कर लेता है तू। तो उसमें क्या टेंशन है, उसे ऑल द बेस्ट कह दे, उसे अच्छा लगेगा, सिंपल। गुड नाइट। वो अच्छा करेगी, मैसेज की जरूरत नहीं, कर लेगी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये तो छूट ही गई थी, इसे याद कर लेती हूँ, ये पक्का एग्जाम में आएगी। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द हायर द जो तुम पढ़ाई करती हो उस पर ध्यान दो,
उसे समझने की कोशिश करो, उसे सिर्फ याद मत करो। नहीं। सर ने कितने अच्छे से वो कॉफी का एग्जांपल देके समझाया था, नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोकस, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म। जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है उसकी डिमांड कम हो जाती है, जैसे जैसे प्याज। याद नहीं करना है, समझना है, बहुत जरूरी है। अब सोचो अगर इस प्याज की कीमत इसकी नॉर्मल कीमत से दुगनी हो जाए तो क्या होगा? सर तब तो बजट की मम्मी याद आ जाएगी। नहीं मेरे मतलब है कि सर टमाटर के बदले थोड़ी ना प्याज ला सकते हैं, या तो प्याज लाने कम करने होंगे या तो फिर बंद ही। हाँ, जब प्याज की कीमत बढ़ेगी तो लोगों में उसकी डिमांड कम होती जाएगी या शायद खत्म भी हो जाए। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। कहाँ है सर? कौन सा सर? अरे वो कुछ नहीं, मुझे बहुत पढ़ना है, तू सो जा। हाँ, ऑल द बेस्ट दी। वो अपना आयुर्वेदिक वाला पाउडर खा लेना। हाँ मेरी दादी अम्मा, खा लूंगी। अब सो जा, चल सुबह स्कूल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। खेदी हरी भी समझ आ गई, इसे अपने वर्ड्स में लिख लेती हूँ। हे मिलापनी मैया, सब एकदम ठीक से हो जाए, अब साथ ही रहना। वैसे तो मैं कुछ बोलने ना वाली, लेकिन अगर किसी सवाल का जवाब ऐसे मेरे दिमाग से बाहर जा रहा हो ना, तो उसे हाथ पकड़ कर खींच कर वापस लेके आना मेरे दिमाग में। हाँ?